आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। श्रावण माह के पवित्र पावन महीने में जगत कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन जीतेश्वर महादेव मंदिर पर चल रहा है। भगवान कथा से पहले क्षेत्र में आयोजन समिति ने मंगल कलश यात्रा निकाली। इसमें महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश धारण कर धर्म लाभ लिया। श्रावण माह के पवित्र पावन महीने में जग कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन जितेश्वर महादेव मंदिर पर चल रहा है। भागवत कथा से पहले क्षेत्र में आयोजन समिति ने मंगल कलश यात्रा निकाली। इसमें महिलाओं ने सर पर कलश धारण कर भाग लिया। ये भागवत जगत कल्याण के लिए श्रावण माह के पवित्र महीने में आज से गुरुवार से प्रारंभ होगी और 3-4 अगस्त तक ये कथा चलेगी और जिसमें निरंतर नित्य ही रोज भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। आज कलश यात्रा के साथ महात्म्य की पावन कथा से ये पावन कथा प्रारंभ होगी। 2 से 5 कथा का समय रहेगा। जो भी भक्त सुनने के इच्छुक है आगरा कैंट जीतेश्वर महादेव मंदिर पर आकर के कथा को सुनकर जीवन को धन्य बनाएं। मंगल कलश यात्रा में शामिल कथावाचक पंडित लोकेश कृष्ण शास्त्री ने बताया कि पवित्र श्रावण मास में ये कथा विश्व कल्याण और जन कल्याण के लिए आयोजित की जा रही है। 7 दिनों तक भागवत कथा के माध्यम से भक्त प्रभु भक्ति में लीन रहेंगे। देखिए जीतेश्वर महादेव मंदिर अटल चौक आगरा कैंट पर बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आज प्रभु की इच्छा से यहाँ पे सुबह मंगल कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही अभी पंडित लोकेश शास्त्री द्वारा जो कथा का जो श्रवण भक्तों में किया जाता है वाकई में अद्भुत नजर आता है। और श्रावण का मास है, श्रावण मास में रिमझिम झिमझिम बरसात, प्रभु कहते हैं भक्ति में जब लीन होते हैं तो इसी तरीके का मौसम होता है। तो यहाँ पे सभी आज कथा का आनंद ले रहे हैं। ये 7 दिन की है, 7 दिन की रहेगी और मंदिर है सीताराम बाबा का अटल चौक आगरा कैंट। बढ़िया और सुचारू रूप से बढ़िया होगी, जो उनकी ईश्वर की कृपा दृष्टि है उससे अद्भुत नहर ही होंगे और बढ़िया कार्य स्थल से काम होगा। मंगल कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ श्रीमद् भागवत कथा उत्सव 4 अगस्त को समाप्त होगा। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।